भाई जी बलिनो में दिक्कत क्या है कि भाई ये गियर है, अब ये फर्स्ट गियर में अटक गया है। अभी मैंने देखो यहाँ पे क्लच भी दबा दिया, ये क्लच दबा दिया और ये गियर जो है वापस आ ही नहीं रहा है। ये देखो ये नहीं आ रहा वापस, ये बिल्कुल अटक गया है फर्स्ट गियर में। और गाड़ी स्टार्ट भी मैं कर दूँगा, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, क्लच दबाया हुआ मैंने, अभी ये आ नहीं रहा है। ठीक है, ये नहीं आ रहा, देखो पीछे ये है इसके अंदर प्रॉब्लम, ये कभी कभी अटक जाता है। अब गाड़ी मैंने दोबारा बंद कर दी है, बंद होगी और ये अभी भी आ नहीं रहा पीछे, क्लच मैंने दबाया, मैं क्लच भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब झटके से मैं इसको करूँगा तो ये खुल तो जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी और आगे भी मैं चेक करा देता हूँ। अब ये इंजन की तरफ आए हम गेयर बॉक्स के ऊपर, ये आप देख सकते हैं जो रोड वगैरह है ये भी बिल्कुल सही है, अपनी जगह पे जहाँ पोजीशन होनी चाहिए वो बिल्कुल सही है। ये आप देख सकते हैं रोड वगैरह बिल्कुल सही है, कोई रोड निकली नहीं है, कोई किसी तरह से कोई अटकाव नहीं है। तो अब इसका देखते हैं कि भी कहाँ प्रॉब्लम है। तो हमने निकाला इसमें से ये गियर के ऊपर से शिफ्टर, शिफ्टर जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। तो अंदर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गियर लग तो जाता आसानी से लेकिन निकलता नहीं है, तो वो हो सकता है अंदर की कोई प्रॉब्लम है। अब वो देखते हैं, गियर निकालेंगे बाहर, तो प्रोसेस चालू हमारा। देख सकते हैं आप यहाँ से जो है दाएं और बाएं जो है दोनों से फिटिंग अलग करके जो है गियर बाहर निकाल के और फिर दिखाते हैं आपको। तो भाई जी हमने इसका गियर बाहर निकाल लिया है, दिखा देते हैं आपको सिचुएशन क्या है। ये है गियर बॉक्स। अब इसमें ये तो चलो अलग चीज़ है, कभी बैरिंग वगैरह पुराने हैं इसके अंदर तो वो चेंज वेंज करेंगे, फॉल्ट इसका है नहीं लेकिन वैसे चेंज करेंगे। और ये क्लच प्लेट है, ये भी ठीक है, वैसे चल रही है, लेकिन अगर पुरानी ज़्यादा हो गई है, घिस चुकी है, तो इसको भी चेंज करेंगे अगर जब फिट करेंगे। और ये बैरिंग है फ्लाईव्हील का, ये भी चेंज करेंगे। ये अलग मेटल है, मैटर अलग है। ये इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत अभी भी गियर के अंदर है कि फर्स्ट गियर जो है लग जाता था, निकलता नहीं था। अब ये फर्स्ट गियर लगा हुआ है, ये निकल नहीं रहा है वापस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अटका हुआ है। इसको इधर से अगर चोट भी लगाएंगे तो ये नहीं जाएगा, ये यहीं अटका हुआ है। तो खोलते हैं गियर बॉक्स को तो दिखेगा कि भी फॉल्ट है क्या। तो अब ये हमने बोल्ट वगैरह सब निकाल लिए हैं और इसको धीरे धीरे से उठा लेंगे, देखते हैं अंदर। बस 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 सीधा कर दे भाई। एक तो ये मैग्नेट की स्थिति कुछ टूटा है, इसके अंदर लगा हुआ है, ये देख लेते हैं, इसमें पहले यहाँ रख दूँ। ये है भाई जी कुछ टूटा हुआ मेटल है कोई, बाकी देख लेते हैं इसको ढंग से साफ़ करके कि भी कहाँ क्या मिलेगा, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में कहाँ क्या है। ये हमने अलग किए हैं गुच्छे, तो ये सेफ़ है बिल्कुल, हमने चेक किए। और ये है एक नंबर वाला जो है सिस्टम, आप देख सकते हैं सनक्लोराइजिंग रिंग होते हैं यहाँ पे लगे हुए ये वाले। और ये मेटल जो टूटा था ना ये हाथ में हमारे, ये मेटल मैंने दिखाया था आपको कि टूट के निकला हुआ है कुछ, तो वो निकला हुआ है यहाँ से। मैं ये दिखा देता हूँ आपको, वो मशीन चल रही है कोई बात नहीं, वॉशिंग वाली। तो ये आप देख सकते हैं ये है, ये जो हिल रहा है, ये टुकड़ा और भी है, ये भी टूटा हुआ अंदर, ये देख रहे हो आप, ये अंदर टूटा हुआ है, ये थोड़ा बारीकी से देख सकते हैं, क्रैकिंग भी दिख रही है। तो इसी के साथ वाला एक टुकड़ा ये भी है जो हमारा जो है गियर बॉक्स खोलते हुए जो है मैग्नेट में चिपका हुआ था, तो इसकी वजह से जो है वो एक बार गियर लग तो जाता है लेकिन निकलने में ये अड़ास कर जाता है टूटा हुआ टुकड़ा, तो ये वजह है। तो इसको खुलवाएंगे और इसके अंदर की जो ये स्लीव होती है, स्लीव ये गियर चेंजर जो है स्लीव है, खोलने के बाद में देखेंगे कि भाई ऊपर का एक एरिया चेंज होना है या नीचे वाला अलग से चेंज हो सकता है, पूरा सेट चेंज होना है, तो वो खुलेगा तब बताते हैं आपको, दिखाएंगे आपको। ये प्रेस मशीन पे निकल रहा है, क्यों लगाओ, ये यहाँ से क्रैक है आप देख सकते हैं ये पार्टीशन, और ये हमारे पास रखा हुआ था फ्रेश जो है ओरिजिनली है, तो ये हम इसमें फिट करेंगे। पुराना मिलता ही ना है कंपनी में, तो अवेलेबल था ही नहीं,
ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैं इसमें लगाऊंगा ताकि भाई अंदर से जो है दूसरा जो एरिया था उसमें ये टूटा हुआ था मेटल जो है, और वो टूटा था ये जो आप देख सकते हैं ना, ये इस कोने से, मतलब कहीं भी लगा लो इस कोने से या इस कोने से वो टूटा हुआ था, पर ये हमने चेंज कर दिया। आपको जो है प्रेस पे डालते हुए भी दिखाया है, ये बिल्कुल फ्रेश है। इधर से भी आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया गियर का, फर्स्ट गियर और सेकंड गियर की जो गरारियाँ होती हैं ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। काउंटर हमारा फिक्स है, अब ये फिट करने जा रहे हैं हम। तो बाकी का हमने सामान यहाँ पे साफ वाफ करके रखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। ये गियर की हांडियाँ हैं दोनों, और ये जो है इधर डिफरेंशियल हो गया, और ये बाकी के ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये सामान जो है हमारे पास कंप्लीट है ये। तो इसको फिट करने जा रहे हैं तो दिखाते हैं आपको आगे। ये प्लास्टिक के कुछ पुर्जे हैं, ये बैरिंग के नीचे आएगा, तो यहाँ पे अंदर इसको डाल लेते हैं, वो डल गया। और फिर ये है ऑयल को एडजस्ट करके भेजेगा बैरिंग के यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसके बाद में ये हमने यहाँ पे मिलाई लिए हैं, और एक दो और तीसरा, ये तीनों को मिला के इसको यहीं के यहीं बैठा देते हैं, सही बैठ जाएंगे ये दो और तीन। ये आ गए हमारे दांते से दांते मैच कर गए हैं, ठीक है। अब इसको उठा के डालेंगे, थोड़ा सा मेरे को इसको सीधा करना पड़ेगा, ऐसे सीधा कर दे भाई, है ना, एक तरफ कर दें, झुका दे, कैसा कह रहे हो आप, ऐसे झुका। तो ये जो है यहाँ पे अंदर बैठा दिए हैं सामने, ये देख सकते हैं, अब ये गिरारी हमने इसमें फिट कर दी है वैसे आराम से, लूजनेस है। ऊपर से ये डाल लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब इसको सीधा पकड़ ले भाई, बंद कर। तो दोनों हांडियों के बीच में जो है गिरारियाँ फिट होके गियर बॉक्स हमारा तैयार हो गया है, और ये घुमा के भी देख लेते हैं, सही है। और ऊपर से अब लगा देते हैं अपना शिफ्टर, ये शिफ्टर हमारा बिल्कुल ठीक था पहले भी, पकड़िए ये तो लगाओ, सही आराम से बैठ जाता है, बैठ गया। और इसमें चार बोल्ट लगा दिए जी, एक वो पत्ती लगेगी जी, तो यहाँ पत्ती लगा दें जो नीचे पड़ी थी, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे लगा देते हैं नया बैरिंग, दिखा भाई, जैसे कि आपको बताया था हमने, ये जो है MGP का ओरिजिनल बैरिंग है, तो यहाँ पे क्लच बैरिंग लगा देंगे, और क्लच प्लेट और है वो भी लगा के, और फिर गियर फिट करते हैं। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे ऊपर गियर बॉक्स, तो दिखाएंगे आपको। क्लच बैरिंग देख सकते हैं आप, MRP 600 कुछ रुपये है ओरिजिनल, और एक ये फ्लाई व्हील बैरिंग है, ये भी 140 रुपये MRP होती है, ये भी लगाया हमने। और ये है इसका क्लच सेट, क्लच प्रेशर सेट है ये, इसकी आप MRP देख सकते हैं 3395। तो इसके अंदर निकलेगा हमारा क्लच प्रेशर दोनों साथ, इसके साथ ही अंदर मैं खोल के दिखा देता हूँ अगर आपको। ये क्लच प्लेट है इसके अंदर निकली, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये है इसकी प्रेशर प्लेट, डेट भी मेंशन होती है इस पर। तो ये लगाएंगे, फ्लाई व्हील फिट करेंगे, उसके बाद ये क्लच और प्रेशर फ्लाई व्हील पे फिट करेंगे, फिर उसके बाद चढ़ाएंगे गियर बॉक्स। तो चलते हैं, करते हैं काम आगे। गियर बॉक्स की फिटिंग हमारी चल रही है, देख सकते हैं तकरीबन फिटिंग हो चुकी है, नीचे से भी दिखा देते हैं। ये एडजस्टमेंट गियर बॉक्स की चल रही है इसके अंदर, और इसके बाद जो है गियर ऑयल डालेंगे कौन से वाला वो आपको दिखा देते हैं। ये वाला ग्रेड डालेंगे 75W90, अच्छा गियर ऑयल है, क्वांटिटी शायद इसमें 1 लीटर से प्लस ही आएगी, जो भी आएगी देख लेंगे। तो उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, फिर आपसे करते हैं बातचीत।
गाड़ी स्टार्ट है और गियर हमने लगा के चेक किए हैं तो सही है। तो इसमें लगभग जो है हमने अभी जो रिपेयर किया है गियर वो, और प्लस में जो है क्लच प्लेट चेंज की है, क्लच प्रेशर और जो बैरिंग वगैरह है, तो इन सब का कुल मिला के टोटल जो है करीबन मान के चलो 10,000 रुपये तक का इस गाड़ी में खर्च पड़ गया है। भाई जी गाड़ी स्टार्ट है और क्लच दबा के गियर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से लग रहे हैं और निकल भी रहे हैं, देख सकते हैं सभी गियर बढ़िया तरीके से लग रहे हैं, निकल रहे हैं। फर्स्ट है ये, देखो गाड़ी स्टार्ट है। तो काम करने का हमारा तरीका आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।